मार्गशीर्ष शुक्ला मोक्षदा एकादशी। युधिष्ठिर बोले, हे देव, मुझे बड़ा संदेह है, इस कारण संसार के हित के लिए मैं आपसे पूछता हूँ। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है, उसकी विधि मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, तुम्हारा प्रश्न बहुत सुंदर है। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की जो उत्पन्ना नाम की एकादशी है, वह मूर दैत्य को मारने के लिए मेरे शरीर से उत्पन्न हुई है, इसलिए वह मुझको बहुत प्रिय है। हे राजन, तुम्हारे सामने चराचर तीनों लीकों के हित के लिए उस एकादशी को कह चुका हूँ। अब मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी का वर्णन करूँगा। इसका नाम मोक्षदा है, यह सब पापों को हरने वाली है। इसमें दामोदर भगवान की अच्छी तरह पूजा करे, तुलसी की मंजरी और धूप दीप से अच्छी तरह भगवान की आराधना करे। हे राजेंद्र, मैं पुराण की कथा कहता हूँ, उसको सुनो। जिसके माता पिता पुत्र अधोगति में हो, वे इस कथा के पुण्य के प्रभाव से निःसंदेह स्वर्ग को चले जाते हैं। हे राजन, वैष्णवों से सुशोभित चंपक नामक सुंदर नगर में प्रजा की पुत्र की तरह रक्षा करने वाला वैखानस नामक राजा था। एक दिन राजा ने स्वप्न में अधोगति को प्राप्त हुए अपने पिता को देखा। यह देखकर उसे आश्चर्य हुआ। उसने ब्राह्मणों से स्वप्न का वृतांत कहा। हे ब्राह्मणों, मैंने स्वप्न में अपने पिता को नरक में पड़ा हुआ देखा है। पिता ने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं अधोगति में हूँ, मेरा उद्धार करो। स्त्री पुत्र मुझे अच्छे नहीं लगते, मैं क्या करूँ। हे ब्राह्मणों, जिसके द्वारा मेरे पूर्वजों को मोक्ष हो जाए, ऐसा दान व्रत तप योग कुछ बतलाए। ब्राह्मण बोले, हे नृप, यहाँ पर्वत मुनि का आश्रम पास में है, वे भूत भविष्य वर्तमान सबको जानते हैं, उनके पास आप जाए। वह राजा उनका वचन सुनकर मुनि के आश्रम में गया। वह आश्रम शांत प्रकृति के ब्राह्मण प्रजा और मुनीश्वरों से सुशोभित था। राजा ने वहां जाकर पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने राज्य के सातों अंगों की कुशल पूछी और कहा कि तुम्हारा राज्य निष्कंटक तो है। राजा बोले, हे विप्र, आपकी कृपा से सब कुशल होने पर भी कुछ विघ्न उपस्थित हो गया है। हे ब्राह्मण, मुझे कुछ संदेह है, उसको आप दूर कीजिए। पर्वत मुनि राजा के यह वचन सुनकर नेत्र बंद करके भूत भविष्य को सोचने लगे। फिर राजा से बोले, हे राजेंद्र, आपके पिता के पाप को मैंने समझ लिया है। तुम्हारे पिता ने काम के वशीभूत होकर एक स्त्री को रति दी और दूसरी स्त्री के आग्रह करने पर भी ऋतु दान नहीं दिया। इस कर्म से वह नरक में पड़ा है। राजा बोला, हे मुनि, किस व्रत और दान से उस नरक से मेरे पिता का उद्धार होगा, वह उपाय मुझसे कहिए। मुनि बोले, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में मोक्षदा नाम की एकादशी है, तुम सब लोग उसका व्रत करके उसका पुण्य पिता को दे दो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने घर आ गया। जब अगहन सुदी 11 आई, तब स्त्री पुत्र और रविवास समेत विधि पूर्वक व्रत करके उसका पुण्य राजा को दिया। वैखनस का पिता स्वर्ग को गया और आकाश से स्पष्ट शब्दों में राजा से बोला, हे पुत्र, तेरा सदा कल्याण हो। यह कहकर वह स्वर्ग को चला गया। हे राजन, इस प्रकार जो इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है, उसका पाप दूर होता है। फलाहार, इस दिन तुलसी की मंजरी व धूप आदि से दामोदर भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन बिल्वपत्र का सागार लेना चाहिए। भक्तों, आप लोगों को अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमको कमेंट करके जरूर बताना और हमारे हनु एस जी के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हम जो भी वीडियो भेजे वह सीधे आप लोगों तक पहुँच सके। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।